नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। राम राम मालिक। गोपाल, मुझे बेहद अफसोस है कि हमारी फैक्ट्री में काम करते वक्त तुमने एक पांव खो दिया। एक पुर्जा खराब हो जाए तो सारी मशीनरी बिगड़ जाती है। इस हादसे से मैं गुजर चुका हूं, इसलिए तुम्हारी इस कमी को अच्छी तरह से महसूस करता हूं। आपने इतना कह दिया, मेरे लिए यही बहुत है। गोपाल, कंपनी की तरफ से जो तुम्हारा हक बनता है वो तो तुम्हें मिलेगा ही। मैं अपनी तरफ से तुम्हें 30,000 रुपया देता हूं। 30,000 रुपए? ये सब मेरे हैं मालिक। बहू अविनाश, देखा कितने दयालु हैं मेरे मालिक, कितना बड़ा दिल है इनका। वो जपाहज को माला माल कर दिया। अविनाश, ये रुपए बुरे वक्त में काम आएंगे, इन्हें संभाल कर रखना। नहीं गोपाल, नहीं, ऐसी गलती मत करो। अपने हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मत मारो। ये दुनिया बड़ी जालिम है, बड़ी बेरहम है, ये तुम्हारी दूसरी टांग भी काट कर फेंक देगी। गोपाल, खून के सहारों से ये बैसाखी का सहारा ज्यादा मजबूत है। सॉरी गोपाल, मुझे तुम्हारे जाति मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है, मुझे माफ कर दो। Want it done at once. मगर सर, हमारे प्रोडक्ट उनसे कहीं ज्यादा सुपीरियर हैं। फिर हमें कम दामों बेचने की क्या जरूरत है? इससे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। शर्मा, तुम जिसे नुकसान समझ रहे हो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा है। लक्ष्मी नारायणन कंपनी और चंदर इंटरनेशनल का नाम मार्केट से मिटा दो, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जी डैडी। चंदर, ये अपने ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स कैंसिल क्यों हो रहे? बॉल बेयरिंग्स, पिस्टन रिंग्स, क्लच प्लेट्स, कल से सारे मुल्क में इनकी मांग थी, ये भी क्यों नहीं आया? जी वो क्या बात है डैडी, अवतार एंटरप्राइजेस हमारे कंपटीशन में हर जगह अपना माल बहुत सस्ते में बेच रहा है। अरे काशी ही ले, कलकत्ता ही ले, पटना ही ले ला, तोहरी लच के जब का मरिया सारी दुनिया ही ले ला। जयराम जी की सेठ जी। सेठ जी कहकर गाली मत दो राम दुलारे, दोस्तों का मजाक नहीं उड़ाया करते। ये नहीं मेरा ब्रांड। खाते में लिख दूं। धन अवतार भैया, तुम तनिको ना ही बदले। हम लोग हमेशा तुम्हारी चर्चा करत रहे। मैं भी कहां भूला, आज तुम लोगों की बहुत याद आई, मिलने चला आया। आ, 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 आ,
सईदू ये क्या कर रहा है? दादा मियां के कपड़े धो रहा हूँ। दादा मियां के? हाँ मी, उनकी तबीयत खराब है। उनकी तबीयत खराब है तो तुझे क्या? चलो उठ यहाँ से। बदमाश उनके गंदे कपड़े धो रहा है। तो क्या हुआ मी, अभी तो अपने गंदे कपड़े उनसे धुलवाती है। बदतमीज। बच्चे पे हाथ उठाते तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म आपको आनी चाहिए। आज आप इस मासूम बच्चे से अपना मैल धुला रहे थे, कल इसे चोरी करवाएंगे, भीख मंगवाएंगे। अनवर, मैं अपने बच्चे पर इनका मनुष्य साया कभी नहीं पड़ने दूंगी। अल्लाह कसम, आज से इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये रहेंगे। चल अंदर चल। अबू बस बहुत हो गया, अब हमें चैन से रहने दीजिए। खुदा के लिए आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लीजिए। अनवर बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा? तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मुझे अपने घर से मत निकाल बेटे। मैंने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, कपड़े धोए, बर्तन मांजे, झाड़ू झटका किया, भूखा रहा, बहू की गालियां सुनता रहा, मगर मैंने घर की बात कभी बाहर नहीं जाने दी। इस घर का भरम बनाए रखा। मुझे मत निकालो बेटे, मैं कल सड़कों पर मारा मारा फिरूंगा तो लोग ये नहीं कहेंगे ये रशीद है, लोग कहेंगे ये अनवर का बाप है, अनवर का बाप। घर की इज्जत बाजार में मत ले जा बेटे। अनवर बेटे, मुझे उस घर से जब भी निकालना, अपने कंधे पर निकालना। अवतार, अपनी नजरों से तो गिरा था, आज तुम्हारी नजरों से भी गिर गया। सारे जख्म नंगे हो गए। से खा लीजिए भाई साहब। नहीं भाभी, मुझसे खाया नहीं जाएगा। रशीद, एक दो निवाले तो खा लो। नहीं आता, बिल्कुल भूख नहीं है, अलग से नहीं उतरेगा। हेलो रशीद। मैं तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है, इस धरती पर जाने कितने अवतार किशन हैं, कितने रशीद हैं, ये एक समस्या है, एक मसला है, एक समस्या है, एक मसला है। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।